मेरे पुत्र, मेरे लाल, मैं तुम्हारी निशंस हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। जिस संसार में तुम नहीं होगे, उस संसार को मैं अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगी। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत। पुत्र गणेश, मैंने श्री महागणेश की पूजा का संकल्प किया है। मैं स्नान करने स्नान गृह जा रही हूँ। तुम यहाँ मेरे प्रहरी बनकर द्वार पर ही खड़े रहना, किसी को भी भीतर ना आने देना। मेरे रहते हुए कौन भीतर आएगा माता? लो पुत्र, ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा ना माने, उस पर दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले, उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच ना करना। जो आज्ञा माता। जय माता की, जय माता की, जय माता की। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुम्हें भूख लगी थी ना? हाँ माता, अत्यधिक भूख लगी है। पुत्र गणेश, इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। किंतु पुत्र, इस द्वार पर डटे रहना, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, यहीं पर पहरा देना। जय माता की। माता, आप निश्चिंत होकर स्नान करने जाइए, मैं यहाँ डटा रहूंगा। जय माता की। इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। सुगंध ही नहीं, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। अरे, ये मोदक कहाँ गए? हम यहाँ हैं। अरे, तुम लोग वहाँ कैसे चले गए? पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? हम श्री गणेश हैं। श्री गणेश? पहले मुझे खाएं। नहीं श्री गणेश, पहले मेरा भोग लगाएं। आप सभी धैर्य धरे, मैं सबका भोग लगाऊंगा। नहीं श्री गणेश, मैं सबसे आगे हूँ, पहले मेरा भोग लगाएं। अति स्वादिष्ट। जय माता की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर, आज्ञा करें प्रभु। देवी जया और विजया को हमने आश्वस्त किया था कि हम देवी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, परंतु हमें ध्यान ही नहीं रहा। तुमने हमें इस बात का स्मरण क्यों नहीं करवाया? क्षमा करें भोलेनाथ, स्मरण कराने पर तो आप क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल से प्रहार कर बैठते हैं। अभी तक उस घटना का दुख तुम्हारे भीतर है। दुख से अधिक तो माता का क्रोध है, और माता के क्रोध से मुझे भय बहुत लगता है। इसी कारण कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे नंदी कि तुम्हारी माता मुझ पर भी क्रोध करेंगी? नहीं प्रभु, ऐसा सोचना तो मेरी भूल थी। मुझे क्षमा करें भोलेनाथ।
हम भीतर नहीं आ सकते, माता की आज्ञा है, लौट जाए यहाँ से। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ? अपनी माता का पुत्र हूँ। माता का पुत्र? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर, न जाने कहाँ से चले आए और अपने आप को माता का पुत्र कह रहे हो। चल हट जा मेरे मार्ग से। माता ने कहा था डर जाओ और ये कह रहे हैं हट जाओ। महोदय, मुझे हटना ही होता तो आपको रोकता है क्यों? आप इतनी सी भी बात समझ नहीं पा रहे। हम इस कैलाश के स्वामी हैं, ये संपूर्ण कैलाश हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो? चल मेरे मार्ग से हट जा। व्यर्थ का विवाद न बढ़ाएं कैलाशपति, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। सावधान, यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं तो एक पग भी आगे न बढ़ाए। तू जानता है हम कौन है? संसार हमें महादेव कहता है। आप महादेव हो, आदि देव हो, परम देव हो अथवा देवों के देव हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। हट ही बालक, व्यर्थ का हट ना कर। क्यों ना करूं हट? आपकी बात मानकर अपनी माता की आज्ञा से विमुख हो जाऊं? असंभव। कौन है तेरी माता? जो मेरी माता को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता उसे मैं क्यों जाने दूं? मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मन को आनंद पहुंचाने वाले प्रिय बालक। मैं बालक अवश्य हूँ, किंतु माता की आज्ञा का कट्टर पालक भी हूँ, और उनमें से नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाए और अनुचित समय पर प्रवेश करने वाले को मार्ग दे दे। बालक, ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। मेरी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, किंतु मेरी प्रशंसा से यह मार्ग खुल नहीं सकता, अपितु आपका मार्ग और कठिन हो गया है, क्योंकि मुझे प्रशंसा से नहीं कर्म से प्रेम है। तो मुझे अपना कर्म करने दे, तू अपना कर्म कर। आपका मार्ग रोकना ही तो मेरा कर्म है, माता की आज्ञा के बिना मैं आपको भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। कौन है तेरी माता? अब आए ना मेरे मार्ग पर, क्या पूछते हैं आप? मेरी माता अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी है, राज राजेश्वरी है, माता गौरी है, और मैं उनका पुत्र गौरी पुत्र गणेश हूँ। जय माता की। गौरी पुत्र गणेश, किंतु गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया? ये तो हमें ज्ञात ही नहीं। ज्ञात होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, शुद्ध, बुद्ध और नित्य। अजन्मे, अविनाशी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त गौरी पुत्र गणेश, जाओ और अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव द्वार पर खड़े हैं और भीतर आने के इच्छुक हैं। जब संसार आपको महादेव कहता है तब तो अवश्य आप परम ज्ञानी, परम ध्यानी, महासाधक, परम योगी और बुद्धिमान होंगे, किंतु मेरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। अर्थात? अर्थात का अर्थ भी नहीं समझे, मैं माता की आज्ञा लेने भीतर जाऊं और आप मुझे द्वार पर ना पाकर भीतर प्रवेश कर जाए, मेरी माता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। आपकी चतुराई धन्य है महादेव। हट ही बालक, हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा। अन्यथा क्या, युद्ध करेंगे तो आ जा रण क्षेत्र में। छोटा होकर बड़ी बड़ी बातें करता है। उसका कारण ये है कि आप बड़े होकर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल बालक। नहीं नहीं, इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग अनुचित होगा। क्यों महाराज, युद्ध के नाम से भयभीत हो गए क्या? क्या सोच रहे हैं, शीघ्र बताएं। वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? मेरा विचार अब तुझे मेरे गण ही बताएंगे, उनके प्रहारों से तुझे सुबुद्धि प्राप्त हो जाएगी। धन्य है महादेव, गणपति को गणों से सुबुद्ध कराएंगे। जय माता की। अति
नंदी, शिवगणों, उस बालक ने हमारा अपमान किया है, उसे देवी पार्वती के स्नान ग्रह के द्वार से शीघ्र हटा दो। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? सुना भोलेनाथ, किंतु समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो कैलाश में कोई बालक नहीं देखा। तो क्या हम असत्य कह रहे हैं? तुम सबको हमारी बात पर विश्वास नहीं है क्या? चलो 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 शिव आज्ञा का पालन करें। चलो 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 चलो। दान करने में कभी संकोच न करना। अब तुम सब बताओ कि तुम लोग मेरी आज्ञा मानोगे या इस दंड की? बातें तो बड़ी बड़ी करता है, प्रहार उससे भी बड़ा और भयानक करता हूँ। हम शिव के गण हैं, हमें प्रहार की भाषा से भयभीत मत कर। पहले तू ये बता कि कैलाश पर आया किधर से? अरे उधर तो माता का कक्ष है, तू वहाँ से आया है? तू सच सच बता, मेरी दृष्टि से बचकर तू यहाँ कैसे आया? शरीर तो इतना भारी भरकम है, किंतु बुद्धि तो एकदम छोटी सी है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि माता के पास आने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है? नंदी महाराज, बालक तो चतुर एवं बुद्धिमान प्रतीत हो रहा है, अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, स्वामी का आदेश जो है ना। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि स्वामी का आदेश जो है अपने से बड़े की नकल उतारता है। तुम्हारी बुद्धि तो सती अज्ञानी पशुओं जैसी है, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि छोटे ही बड़ों की नकल उतारते हैं, बड़े थोड़े ही छोटे की नकल उतारते हैं? वाचाल बालक, हट जा द्वार से। तुम्हारे स्वामी को द्वार से लौटा दिया तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें भीतर जाने दूंगा? भाग जाओ यहाँ से, मेरा क्रोध न जगाओ, अन्यथा माता के दिए इस दंड से तुम सब पिटोगे। भाग जाओ, जाओ। माता के दिए हुए मोदक भी नहीं खाने देते। नंदी महाराज, प्रहार का आदेश दे, आप क्या देख रहे हैं? ये माता का दिया हुआ स्वादिष्ट मोदक देख रहे हैं। इतना बड़ा शरीर ऐसे थोड़ी ना पालते होंगे। ले लो, ये ले लो। ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक। पहले हमारी कृपा प्राप्त करो। तू मुझसे परिहास करता है? आवश्यकता पड़ी तो प्रहार भी करूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मूर्खों हंसते क्या हो, पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। Thank you.
रोके शिव शंकर रोके। राही राम भोलेनाथ।